गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी खनिज पर आधारित जो इंडस्ट्रीज है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पिछला जो पार्ट हमने पढ़ा था वो था एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हमारी थी उसके ऊपर, यानी कृषि से आधारित जो उद्योग थे, जैसे कि भाई अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, है ना, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, फिर उसके बाद जूट टेक्सटाइल हो गया और शुगर इंडस्ट्रीज हो गया। तो ये सब किस पे डिपेंड करते थे? ये सारे डिपेंड थे एग्रो बेस्ड, यानी जमीन के ऊपर ही एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, और कृषि से जो चीजें पैदा होती हैं उनके द्वारा, जैसे जूट हो गया, है ना, शुगर हो गया, तो इनसे आधारित जो इंडस्ट्री थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी मिनरल्स कहाँ होते हैं, खनिज क्या होते हैं, खनिज जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है, और उनसे आधारित जो इंडस्ट्रीज है उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी वे इंडस्ट्री, कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी, यानी क्या आप उन इंडस्ट्रीज का नाम बता सकते हैं जो इस कैटेगरी में, इस वर्ग में आती हैं? ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज का नाम बताइए। सबसे पहले तो ये था भाई इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होते हैं, खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं, यानी वे उद्योग जो मिनरल्स और मेटल्स, ठीक है, यानी खनिज और धातुओं को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हो, ठीक है, यानी कच्चे माल के रूप में यूज करते हो, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाते हैं या इज कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी ऐसे उद्योग जो कि खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं या प्रयोग में लाते हैं उन्हें अपन क्या कह सकते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, है ना, किसी भी प्रकार की जो धातु है और किसी भी प्रकार की जो मिनरल्स हैं वो सारे किस में मिलेंगे अपने को, जमीन में मिलेंगे या मिनरल्स बेस्ड वो होंगे। अब इसी में जो फर्स्ट इंडस्ट्री आती है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी लोहा और इस्पात उद्योग। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज द बेसिस इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शंस, मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड ए वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। यानी ये जो इंडस्ट्री है द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिस इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज, यानी जो लोहा और इस्पात उद्योग है, ठीक है, ये एक बेस है, एक आधार है, आधारित एक मतलब इसका बेस उद्योग है किस चीजों का, क्योंकि इस पर क्या डिपेंड करता है, सभी लाइट एंड हैवी मीडियम, यानी सभी प्रकार के हल्के, भारी या फिर मध्यम वर्ग के जो भी उद्योग हैं वो इन्हीं मशीनरी पर निर्भर है। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं यहाँ पे तो जो अलग डिफरेंस टाइप के, जैसे इंजीनियरिंग, है ना, चिकित्सा से संबंधित, निर्माण सामग्री, रक्षा, डिफेंस संबंधित, टेलीफोनिक, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की जो ऐसी वस्तुएं हैं वो निर्माण के लिए इसकी हमें आवश्यकता होती है, किसकी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की। अब है प्रोडक्शन एंड कंसप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी अगर अपन देखें, ठीक है, इस्पात का जो उत्पादन है और उसकी जो खपत है वो किसी भी देश का क्या माना जाता है, बेस माना जाता है, किसी भी देश का उसका डेवलपमेंट का पैमाना होता है, उसके विकास की पैमाना होता है। आयरन एंड स्टील इज ए हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की एंटाइलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी अगर अपन देखें कोई भी माल होता है किसी प्रकार, नहीं, लो इस्पात क्या है कि हैवी इंडस्ट्री, एक भारी उद्योग है और इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि भाई ये स्थायी होते हैं, किसी भी प्रकार की अगर इसको ट्रांसपोर्टेशन अगर अपन देखें कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है किसी दूसरे उद्योग से, इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो ज्यादा भी होती है। और फिर इसके बाद इस उद्योग के लिए हमें भाई लोहा, ठीक है, कुकिंग कोल एंड लाइम स्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेटियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:1,
ठीक है, अगर अपन देखें मान लो इसका कि कोई भी चीज अगर इसी उद्योग के लिए, या तो लोहा ऐसा हो गया, आयरन हो गया, कोकिंग कोल हो गया, या चुनने का जो पत्थर है, इनका जो अनुपात मिलता है वो 4:4:2:1, ये इसमें हमें मिलता है। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील, यानी अगर अपन देखें इस्पात को कठोर बनाने के लिए हमें कुछ मैगजीन की जरूरत भी होती है, उसमें कुछ मैगजीन हम मिलाते हैं। ठीक है, वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड, अगर अपन देखें, ठीक है, यानी इनकी जो स्थापना है, ठीक है, वो आइडियल होनी चाहिए, आदर्श होनी चाहिए। रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आल्सो नीड एन इफिशियंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर, यानी अगर अपन देखें मान लो भाई ये जो सामान है या फिर जो अपना फिनिश्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको किसकी जरूरत होती है, इनको बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए इफिशियंट ट्रांसपोर्ट यानी सक्षम जो परिवहन है उसकी आवश्यकता इनको पड़ती है। इन 2010-11 विद 72.2 बिलियन टोनेज ऑफ स्टील प्रोडक्शन, यानी अगर 2011-12 में अपन देखें तो 72.2 मिलियन जो टन है वो इस्पात का प्रोडक्शन हुआ है, स्टील का प्रोडक्शन हुआ है। इंडिया रैंक्ड फोर्थ अमंग द वर्ल्ड्स क्रूड स्टील प्रोसीजर्स, अगर अपन पूरे विश्व के अंदर अपन देखें तो हमारा देश चौथे स्थान पर है। ठीक है, लेकिन अगर अपन करंट में देखें 2016 का अगर रेशियो देखें अपन तो 956 लाख टन भारत ने, ठीक है, 96.6 जो मिलियन टन है वो स्टील का प्रोडक्शन किया था, और जो फोर्थ जो रैंक थी हमारी इंडिया की वो अब घट करके कौन सी हो गई है, थर्ड रैंक हो गई है, तीसरी रैंक पे हमारा देश आ गया है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन इन 2010-11 पर कैपिटा कंसप्शन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड 49 kg पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 182 kg। अगर अपन देखें मान लो पिछला जो रेशियो अपन देखें 2010-11 का अगर अपन रेशियो देखते हैं, ठीक है, तो जो हमारी जो प्रोडक्शन डिटेल है वो क्या है, 49 kg प्रति व्यक्ति या प्रति वर्ष, ये हमारी खपत थी 49 kg। और अगर विश्व में अपन देखें, पूरे वर्ल्ड की देखें, तो प्रति व्यक्ति पूरी खपत क्या है, 182 kg। ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, या इसमें आप इस मैप में थोड़ा देख सकते हैं, इसमें आपको दिखा रखा है भाई सेलम में है ना, जो आयरन एंड स्टील है देखो यहाँ पे लगभग जो है ये साउथ से लेके और ईस्ट, साउथ ईस्ट वाला जो एरिया पड़ता है अपना, इसमें सारे लोह इस्पात उद्योग हैं। इसका रीजन है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो इनका उधर ही होता है, उसी एरिया में ज़्यादा होता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल जो है हमारा इससे जो बचा हुआ जो है इसकी कुछ टेबल्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये हम बाकी का कल पढ़ेंगे। इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करो।